है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरी अयोध्या नगरी इस वक्त जगमगा रही है लाइट से। प्रशासन ने इसे जितने मंदिर हैं सबको जगमगा दिया है और लोग यहां पर दीप जला रहे हैं। सरकार ने और प्रशासन ने लोगों से अपील की थी कि वे अपने घरों में सरयू घाट पर इस तरह से दीप जलाएं 4 और 5 तारीख को। तो आज वही 4 तारीख है और देखिए कितनी भीड़ है। पूरा अयोध्या के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जाहिर है कि ज़्यादा लोग इस बात से चिंतित नहीं है कि कोरोना है या कुछ और है, लेकिन इतनी भीड़ है इसलिए हमें भी मास्क पहनकर ही काम करना पड़ रहा है। जैसा आप देख रहे हैं कि गाने भी यहाँ पर श्री राम के भजन बज रहे हैं। एक पूरा उत्सव का एक जैसे दिवाली जैसा एक माहौल लग रहा है। यहाँ पर कुछ लोग भी खड़े हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि आप बताइए कि आप यहीं से हैं, कहाँ से हैं? यहीं से हैं। आज कैसा लग रहा है यहाँ पर? आज जो हमको महसूस हो रहा है, जो अनुभव कर रहे हैं, वो शब्द में व्यक्त नहीं कर सकते। और ये दीपक उससे एक छोटी साधारण दीपक नहीं है, ये हर उन शहीदों के आत्मा को संतुष्टि पहुँचाने के लिए दीपक। आप क्या कहते हैं? जी मेरा नाम मान अवनीश दास, श्री सीता निवास जानकी घाट। जी ये निश्चित ही बहुत ही आनंद का विषय है और बहुत ही हर्ष का और उल्लास का विषय है। आज का ये अवसर इतना पुनीत और इतना सुंदर है कि मुझे लगता है कि शायद एक बार दीपावली से भी ज़्यादा आनंददायक ये अवसर है, क्योंकि हमारे आराध्य हमारे परम पूज्य भगवान श्री राम जी का मंदिर जो सहस्त्राब्दियों से मतलब 500 वर्ष लगभग तक कुछ तथाकथित लोगों की मूर्खता और मूढ़ता के कारण जो अभी तक व्यवस्थित नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये सुंदर आज अवसर आया कि हम लोग बड़भागी हैं और बड़े धन्य हैं, अपने आप को कृतार्थ महसूस कर रहे हैं कि आज हम लोगों का यह अवसर प्राप्त हुआ कि हमारे सामने, हम आगे कहने की स्थिति में कि हमारे नेत्रों के सामने भगवान का सुंदर मंदिर निर्माण कार्य हुआ। इतनी ज़्यादा खुशी कि इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं हम लोग, कि जो सदियों से हम लोग सुन जब से मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं, आज से 20 साल से, कि राम मंदिर, और आज वो दिन आ गया हम लोग के जीवन में जिसको कभी किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन आज वो दिन आया है जब कल भूमि पूजन होगा। उसके पूर्व संध्या पे आज 1.25 लाख दिया हम सभी वॉलंटियर मिल के जलाए हैं, इसकी बहुत खुशी हुई है। बहुत अच्छा, राम के नगर में निवास करके तो बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ और इस कार्यक्रम में भाग लेके बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ। तो बात तो आस्था की है, लोग यहाँ पर पूरे खुश हैं और बहुत हंसी खुशी से अपना ये दीपोत्सव मना रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आएंगे और भूमि पूजन का कार्य पूरा होगा। लंबे इंतजार के बाद अयोध्या राम जन्म भूमि पर राम मंदिर के निर्माण के लिए तैयार है और इसकी शुरुआत 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंदिर निर्माण की पहली ईंट रखने के साथ हो रही है। लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि राम मंदिर निर्माण के बाद मंदिर कैसा दिखाई देगा। दरअसल मंदिर निर्माण के लिए बने ट्रस्ट ने भव्य मंदिर के प्रस्तावित मॉडल की तस्वीरें जारी कर दी हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से जारी की गई तस्वीरों में भव्य राम मंदिर की झलक देखी जा सकती है। मंदिर का ये डिजाइन वास्तुकार निखिल सोमपुर ने तैयार किया है। रामलला के मंदिर के लिए इससे पहले VHP का पुराना मॉडल हमारे सामने था, जिसे निखिल के पिता चंद्रकांत सोमपुरा ने तैयार किया था, लेकिन 1989 में प्रस्तावित मंदिर के मॉडल में बदलाव कर इसे और भव्य बना दिया गया है। मंदिर के नए मॉडल में ऊंचाई, आकार, क्षेत्रफल और बुनियादी संरचना में भी काफी बदलाव किए गए हैं। 18 जुलाई को अयोध्या में हुई राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी बताया था कि राम मंदिर कैसा होगा और कितने समय में बन सकता है। जलने वाले जलते हैं जलने से जारी फोम में फोम में फोम में फोम में हाथ में भगवा उठा के बोलो